अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वी ओ बी एस सी एस। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे CS 401 असाइनमेंट नंबर 2। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। तो इसके जो टोटल मार्क्स हैं वो 20 हैं और इसकी जो डेडलाइन है वो 14 है। तो असाइनमेंट जो है आपने MS Word की फॉर्म में सबमिट करवानी है, और इसके जो लेक्चर कवर हो रहे हैं वो 7 से लेकर 12 तक है, और टॉपिक जो है बिट मैनिपुलेशन है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। आपका असाइनमेंट ये है कि असाइनमेंट में आपको वो ये कह रहा है कि राइट एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम। तो आपको एक असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम लिखना है जिसमें कि वो दो डिजिट्स को कंपेयर करे। वो दो डिजिट्स कौन से हैं? वो ये कह रहा है कंपेयर द फर्स्ट एंड लास्ट टू डिजिट्स ऑफ योर VU ID, यानी आपकी VU ID के जो पहले के दो डिजिट्स और आखिरी के दो डिजिट्स हैं उसको कंपेयर करें। तो आपकी जो VU की ID वो ये है BC 1234567 8 9। ठीक है, तो इसमें से जो फर्स्ट एंड लास्ट टू डिजिट्स हैं वो ये हैं कि पहले जो दो डिजिट्स हैं वो हैं 12, ठीक है, और आखिर के जो दो डिजिट्स हैं वो हैं 8 9। ठीक है, तो इन दोनों को हमने कंपेयर करना है, सबट्रैक्ट विल बी फॉलो। ठीक है, फर्स्ट करें आपके पहले के दो डिजिट्स जो है वो आखिर के दो डिजिट से अगर छोटे हैं, तो देखिए यहाँ पे छोटा ही है, तो फिर आपने सबट्रैक्ट परफॉर्म करना है। अदरवाइज एडिशन, यानी कि फर्स्ट करें अगर ये 89 और 12 स्टार्टिंग है और 89 एंड है, अगर ये 12 जो है वो 89 से छोटा है तो इसका मतलब सबट्रैक्ट टोल। लेकिन अगर ये उल्टा हो, फर्स्ट करें 89 स्टार्ट में हो, 12 एंड में हो, तो फिर क्या है, 89 12 से बड़ा है, तो फिर आपने एडिशन परफॉर्म करनी है। लेकिन इस केस में जो है यहाँ पे आपने सबट्रैक्ट परफॉर्म करना है। ठीक है, तो आगे आप मेंशन कर रहे हैं कि मेक श्योर इफ़ यू यूज़ योर VU ID। ठीक है, तो मेक श्योर टू यूज़ योर ओन VU ID, अपनी आई डी, यहाँ अपनी आई डी इस्तेमाल करनी है VU की। ठीक है, तो फाइल जो है वो आपने MS Word की फॉर्म में सबमिट करवानी है। ठीक है, और इसमें तीन काम करने हैं। एक तो ये कि असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम शॉर्ट ऑफ ADF डिबगर एट द स्टार्ट ऑफ प्रोग्राम। जब आपका प्रोग्राम स्टार्ट हो तो उसमें ADF की आपने स्क्रीन शॉट लेनी है। ठीक है, AFD की, और सेकंड में जो है जब आपको वैल्यू आ जाए फाइनली तो उसकी आपने स्क्रीन शॉट लेके पोस्ट करनी है। तो ये आपको असाइनमेंट में, तो उसको सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं। सबसे पहले आपने अपनी VU ID देखनी है और कोड देखना है। तो मैंने कोड टाइप किया है, यहाँ पर दिखा देता हूँ इसमें हो क्या रहा है। बेसिकली सिंपल इसमें ये हो रहा है, और ये मैं अपना LM ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो देखें यहाँ पे सेमी कॉलन जो है ये समझ कमिट्स का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो भी लिखेंगे वो आपको कमिट में शो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अपनी आईडी लिखी हुई है। ठीक है, यहाँ पे मैंने अपना नाम लिखा हुआ है, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो जंप स्टार्ट, यहाँ से आपका प्रोग्राम स्टार्ट होगा जंप स्टार्ट, तो इसको भी आप छोड़ दें, मसले वाली बात नहीं है। अब चलते हैं यहाँ से। देखें सबसे पहले यहाँ पर मैंने डिफाइंड किया अपने फर्स्ट वर्ड डिजिट। सबसे पहले मैं देख लूँ मेरी आईडी के, मेरी आईडी है BC 1902043। तो पहले मेरे 19 है और आखिर में मेरे 13 है। तो अब क्योंकि मेरा 19 जो है वो 13 से बड़ा, तो इसका मतलब क्या होगी, एडिशन परफॉर्म होगी। ठीक है, तो मेरे केस में एडिशन परफॉर्म होगी, सबट्रैक्शन नहीं परफॉर्म होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, फर्स्ट वर्ड डिजिट मैंने एक वेरिएबल ले लिया फर्स्ट टू डिजिट के नाम से, उसमें लिख दिया DW 19। इसी तरीके से लास्ट वर्ड लिया, उसको मैंने कह दिया DW 13। 19 जो स्टार्ट था और एंड जो है 13 जो हमारे असाइनमेंट में कहा था। अब रिजल्ट जो है वो DW में 0 स्टोर कर दे। ठीक है, अब मैं करता हूँ स्टार्ट। अब मैंने क्या किया, स्टार्ट किया मूव AX 0 मूव BX 0। ये मैंने जाने के लिए किया, अगर उसको काट देते तो मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, पहले वो 0 स्टोर कर देगा BX में, फिर BX में 0 स्टोर कर देगा। अब आगे चले, अब मैंने क्या किया मूव AX कर दिया फर्स्ट वर्ड डिजिट, मेरा फर्स्ट डिजिट क्या है वो है 90। तो यहाँ पर कर देगा 90 स्टोर, और मूव BX और लास्ट वर्ड, अब लास्ट वर्ड में क्या 13 स्टोर कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब वो प्रोग्राम रन करेगा तो AX में 19 आ जाएगा और BX में 13 आ जाएगा। ठीक है, जब वो दोनों कंपेयर करेगा, यानी AX BX, यानी AX BX क्या है वो देखेगा, और यहाँ पर चला जाएगा AX BX में क्या 19 और 13। जब वो दोनों को कंपेयर करेगा, ठीक है, तो कंपेयर करने के बाद वो चेक करेगा, सबट्रैक्ट करना नहीं। अगर तो ये वैल्यू जो है, यानी कि अगर अपनी अपोजिट 13 पहले होती 19 बाद में होती, अगर वो सबट्रैक्ट होती तो यहाँ पर वो सबट्रैक्ट कर देता है। लेकिन अगर वो चेक करेगा कि एडिशन परफॉर्म करना है, मैं फर्स्ट करेगा कि मेरी कंडीशन में एडिशन होगी, तो फिर तो है वो डायरेक्ट सबट्रैक्ट परफॉर्म कर देगा। ठीक है, अब मेरी केस में अगर सबट्रैक्ट परफॉर्म नहीं होगा तो वो उसको छोड़ देगा, वो आएगा इस केस में, इस केस में आने के बाद देखेगा रिजल्ट में क्या आ रहा है। ठीक है, वो चेक करने के बाद मेरा रिजल्ट डिक्लेयर कर देगा, तो सबट्रैक्ट में उसने साथ एक्स किया, कुछ भी नहीं हुआ, तो ऐड कर देगा। ठीक है, ऐड करने के बाद जंप पे कर देगा एग्जिट। ठीक है, तो ये सिंपल इसमें केस में होगा, ये कोड में करेगा बेसिकली ये। ठीक है, तो देखें आप यहाँ पे, देखें यहाँ पे अगर वो करेगा सबट्रैक्ट, तो देखें सबट्रैक्ट में क्या होगा, BX तो AX की वैल्यू ले लेगा। ठीक है, और उसको डिलीट कर देगा, एग्जिट कर देगा। लेकिन अगर सबट्रैक्ट नहीं है तो वो चलेगा आगे, चलेगा ऐड, फिर ऐड कर देगा, फिर वो आ जाएगा एग्जिट में। ठीक है, तो पूरा प्रोग्राम मैंने आसान अब समझा दिया, इसके आगे वर्डिंग भी लिखी, आप पढ़ना चाहते हो ये पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये है कमेंट्स, आप अभी हटा देंगे तो बगैर में मसला होगा, तो आपने कमेंट जरूर लगाना है। तो सेमी कॉलन लगाएंगे तो इससे कमेंट लग जाएगा आपका, फिर एग्जिट में कर देगा मूव AX की तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो ये कोड हो गया मेरा। अब मैंने करना क्या है, अब सबसे पहले आप अपने जाएँ LMS में जाएँ, यहाँ पर देखें आप क्लिक करें, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर अगर आप जाएँ डाउनलोड्स, ठीक है, डाउनलोड्स में जाकर आप चेक करें, तो आपने क्या करना है, अपनी ये फाइल कर लें डाउनलोड, यहाँ पर डाउनलोड NSM की फाइल, और आपने यहाँ आना नीचे और डॉक्स डॉक्स बॉक्स आपने डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो दो चीज़ें आपने डाउनलोड करनी है,
क्योंकि मैंने ये ऑलरेडी डाउनलोड की हुई है डॉक्स और ये फाइल, ठीक है। तो इसलिए आपने करना क्या है, नेसम की फाइल में, ठीक है, नेसम की फाइल मैंने यहाँ कॉपी पेस्ट की हुई है, ठीक है। तो नेसम की फाइल अगर आप डाउनलोड करेंगे तो कुछ इस तरीके से इसका इंटरफेस आएगा, इस तरीके से। तो आपने क्या करना है, इस पर राइट क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करेंगे एक्सट्रैक्ट टू SM4 SM सॉफ्ट। तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका ऐसा फोल्डर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, एक काम तो ये हो गया, ये फोल्डर क्रिएट हो गया। दूसरा जो था आपका वो था डॉक्स बॉक्स, डॉक्स बॉक्स को आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको ओपन करेंगे और उसको कंट्रोल नेक्स्ट नेक्स्ट करते रहेंगे तो ऑटोमेटिक आपका सेव हो जाएगा सी फाइल में। तो इस तरीके से जो इसका इंटरफेस होगा, जब आप सेव कर लेंगे तो आपको डेस्कटॉप पे शो हो जाएगा, ठीक है। वो चीज़ हो गई, अब चलें दोबारा वहीं पर नेसम की तरफ, ठीक है। तो इस फोल्डर को मैं करूँगा कॉपी, कॉपी करने के बाद मैं जाऊँगा यहाँ पे, आप इसमें मर्जी सी में जाए, डी में जाए, एफ में जाए, ठीक है। तो मैं सी में जा रहा, डी में जा रहा, मैं जा रहा हूँ एफ पे, या खाली फोल्डर है, तो मुश्किल नहीं होगी, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन तो अभी देख लेते हैं आगे। तो मैं कर रहा हूँ पेज, मैंने पेस्ट कर दिया। आप याद रखें ये मैंने स्मॉल ने पेस्ट किया हुआ जानबूझ के ना, तो जब आप सेव करें तो मसला होगा। अभी चलते हैं आगे। तो मैंने कर दिया यहाँ पेस्ट। अब क्या करूँगा मैं ये काम हो गया मेरा। अब मैं आऊँगा इस फाइल फाइल में, अब इसको मैं सेव करूँगा किसमें, सेव एज पे क्लिक करूँगा। और सेव एज पे क्लिक करने के बाद मैं जाऊँगा एफ में, और एफ में जाने के बाद मैं ये फोल्डर सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे आके मैं इनवर्टेड कॉमा लूँगा, यहाँ कुछ भी लिख दें, एक्स वाई जेड मैं अपना नाम लिख रहा हूँ, और डेट आगे में लिखूँगा मैं ASM, ठीक है, ये ज़रूरी है लिखना, ASM लिखूँगा। उसको क्लोज कर दूँगा, यहाँ पे आके सेलेक्ट कर लूँगा ऑल फाइल और सेव कर दूँगा, ठीक है। तो ये मेरा सी फोल्डर में सेव हो गया। अब क्या करूँगा मैं, डॉक्स बॉक्स का मैंने दोनों वर्जन डाउनलोड कर लिया है, कोई मसले वाली बात नहीं है, ये 64 बिट या 32 बिट दोनों में चल रहा है, ठीक है। अब मैं आऊँगा अपने प्रोग्राम में, ठीक है। प्रोग्राम जैसे अपनी चल रहा होगा डॉक्स बॉक्स, ये काम मेरा हो गया। अब मैंने जो है दो वर्जन डाउनलोड किए हैं, 6.7.4.7.3, ठीक है, ये दोनों में चल रहा है रैम, तो 32 और 64 बिट का कोई मसला नहीं है। तो अभी देख सकते हैं मेरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है 64 बिट है, ठीक है। तो इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है, और ये 32 बिट डाउनलोड हुआ हुआ है, ठीक है। तो मैंने इसके एहतियातन जो है मैंने इसके दोनों वर्जन डाउनलोड कर लिए हैं, 7.4.7.5, यहाँ से आप जाके लिंक पे जाके देख लें, आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। 74/3 और 74, तो मैंने दोनों डाउनलोड किए, मसले वाली बात नहीं, ठीक है। तो अब मैं अपना दोनों बॉक्स मैं ये ट्राई कर लेता हूँ ओल्ड वर्जन, ठीक है, जो हमारा वर्जन एसटी वाला है। अभी कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा, ठीक है। अब देखें सबसे पहले मैंने क्या करना है, अब यहाँ पे मैंने परफॉर्म करनी है कमांड, ठीक है। अब मैं वो फोल्डर ओपन कर लें जहाँ मैंने सेव किया है, इसको भी सामने ले आता हूँ मैं, ठीक है। तो अब देखें इसको समझने, आपने सबसे पहले आपने कर लेना माउंट, आप सबसे पहले क्या करना है माउंट। अब देखें मैंने किस फोल्डर में सेव किया, यहाँ पे अगर आप देखें यहाँ पे जाके यहाँ लिखा हुआ आ रहा है एफ, मैंने एफ में ही सेव किया उसको, मैं गया यहाँ पे, तो मैं माउंट कर दूंगा एफ और आगे लिखूंगा एफ कॉलन बैक स्लैश और फोल्डर का नाम। अब अगर आप लोग का एरर है तो आपने याद रखना है, यहाँ पे आप बिल्टन जो है यूनिवर्सिटी, जब आप फोल्डर डाउनलोड करेंगे तो आपका जो है ए कैपिटल होगा एस कैपिटल होगा, आपने इस चीज़ का ध्यान करना है। मैंने इसमें एडिट करके स्मॉल कर दिया है ताकि मुझे टाइपिंग में कोई एरर ना हो, तो यहाँ पर भी आपने स्मॉल लिखना है। अगर यहाँ पर आप लिखें ए कैपिटल और एस कैपिटल, यहाँ पर भी आप फोल्डर का नाम सेम लिखेंगे, ठीक है। तो इस वजह से आपको एरर आ सकता है, तो आप इसको एहतियात कीजिएगा। तो मैं करता हूँ यहाँ एंटर, ठीक है। तो उसने यहाँ डायरेक्ट सेलेक्ट कर लिया एफ में। अब मैं करता हूँ एफ सेलेक्ट करता हूँ एफ लोकेशन में, तो मैं एफ लिखूँगा यहाँ पे। अगर आप सी, आप सी करते हो तो आप सी पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ लिखूँगा मैंने एसएम, और अपना फाइल का नाम लिखा जो भी आपने बनाया था, मैंने आशा डॉट ASM, ठीक है। तो ASM लिखना लास्ट में था, यहाँ पर मैं -O और यहाँ लिखूँगा आशा डॉट कॉम, ठीक है। तो अगर तो यहाँ पे कोई गलती नहीं होगी, आप प्रोग्राम में आपका सही होगा, तो यहाँ पे आपको कुछ शो नहीं करेगा, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पास हो गया। अगर कुछ गलती होगी तो आपको कुछ ना कुछ एड्रेस शो करेगा, ठीक है। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, कहाँ नेसम लगाना है, कहाँ डॉट कॉम लगाना है, ठीक है। तो अब मैं, अब मुझे अपने इंटरफेस में जाना है AFT में, तो AFT लिखूँगा मैं और साथ में अपना फाइल का नाम .com। देखिए कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुल गया, कोडिंग में आए तो देखें यहाँ पे वही कह रहे थे, सबसे पहले ये देखें यहाँ लिखा हुआ है जंप, ठीक है। जंप पे जाऊँगा सबसे पहले मैं, ठीक है। अब जंप पे गया, मैं प्रेस करूँगा F2, F2 में से क्या किया, जाकर मूव किया AX की वैल्यू चेक की, AX में क्या 0। अब मैंने F2 प्रेस किया, मूव किया BX, BX में क्या 0। अब मूव AX में गया, फर्स्ट पर डिजिट मेरा क्या सेलेक्ट किया उसने, ठीक है, 19 सेलेक्ट कर दिया, इसको छोड़ ऐसे में वैल्यू शो करते इसको छोड़ा, ठीक है। अब इसने AX को शो कर दिया, फिर वो गया BX में, BX की वैल्यू उसने चेक कर ली। अब दोनों करेगा वो कंपेयर, कंपेयर कर लिया उसने, ठीक है। कंपेयर करने के बाद वो चेक कर रहा है वैल्यू क्या है, माइनस सब्ट्रैक्ट होना है, प्लस होना है।
अगर छः अगर सब्ट्रैक्ट होगा तो उसी में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि मेरे केस में जो है वो एडिशन हो रही है, तो वो जंप पे गया, जंप पे उसने चेक किया, उसको समझ में आ गया कि यहाँ पे एडिशन करनी है या सब्ट्रैक्ट करनी है, ठीक है। अब वो देखें यहाँ पे जो है वो डायरेक्ट ऐड कर देगा, सब्ट्रैक्ट नहीं करेगा, अगर सब्ट्रैक्ट होता तो फ़ौरन करता, सब्ट्रैक्ट ऐड का ऑप्शन ही नहीं आता, ठीक है। तो देखें यहाँ पे वो डायरेक्ट जो है वो ऐड कर देगा, सब्ट्रैक्ट नहीं करेगा। देखिए मैं ऐड प्रेस किया, ठीक है, अब ए एक्स और बी एक्स को कंपेयर करेगा वापस ऐड में, वो उसने कंपेयर किया, कंपेयर करने के बाद उसने वैल्यू जो भर दी, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, 0 0 0 यहाँ शो कर रहा है। तो देखें आपने वैल्यू क्या है, आपने कहा था कि जब ऐड करेगा तो वो उसको ए एक्स में स्टोर करेगा, तो यहाँ पर देखें उसने ए एक्स में वैल्यू स्टोर कर दिया, 0 0 2 0, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू स्टोर हो गई है। तो इस तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे, जंप करेंगे, सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट नहीं हो गया, लेकिन डायरेक्ट मूव पर गया और वापस गया, और यहाँ पे आके एंड में आकर यहाँ पर टर्मिनेट हो गया, ठीक है। तो पहली चीज़ तो आपने अर्ली ये कोड बना दिया, ठीक है। मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा मैं गलत है या सही है। तो देखें आप हमें हेक्साडेसिमल वैल्यू को जो है वो डेसिमल वैल्यू में चेंज करनी है, ठीक है। हेक्साडेसिमल वैल्यू की हमारे पास क्या आई थी, 0 0 2 0 आई थी। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँगा तो 32 आंसर आना चाहिए यहाँ पे, देख लेते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं 32 आंसर आ रहा है, इसका मतलब कि जो रिजल्ट आया था वो मेरा बिल्कुल सही था। इसी तरीके से सपोज़ कर रहा है, अगर मुझे अगर चेक करना कन्वर्ट कि मेरी वैल्यू है 32, अगर मैं यहाँ डालता हूँ जैसे मैं 32, तो मेरा आई है 0 0 2 0। तो देखें बिल्कुल इसने 0 0 को इग्नोर कर दिया और 2 0 शो कर दिया, इसका मतलब मेरा वो आउटपुट सही था, ठीक है। तो थोड़ी चेंज कर लेते हैं इसके, ताकि और आपको समझ में आ जाए। फर्स्ट करें मेरा यहाँ पे शुरू में 13 है और यहाँ पे 19 है। अब क्या हो गया, अब जो असाइनमेंट की जो रिक्वायरमेंट थी वो उसको सेम कर रहा है, लेकिन आपने इस चीज़ को फॉलो करना, आईडी को फॉलो करना है, या मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक। अब मैं इसको कर रहा हूँ छोटा, इसको कर रहा हूँ बड़ा, यानी अब सब्ट्रैक्ट परफॉर्म होगा। अब आप देखिएगा ऑटोमेटिक वो सब्ट्रैक्ट पर चला जाएगा। मैं वो चीज़ करूँगा, कंट्रोल एस करूँगा, यहाँ जाऊँगा, यहाँ पर सेव एस करूँगा, सेव एस में जाकर मैं पीसी में जाऊँगा, यहाँ से एफ में जाऊँगा, एफ में जाने के बाद इस फोल्डर में जाऊँगा और दोबारा कॉलन समझ डबल कॉलन अशर डॉट asm डॉट और ये सेलेक्ट करूँगा और ऑल फाइल सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। अगर तो मेरा फाइल सही होगा तो रिप्लेस करने का बोलेगा, ठीक है, तो मैं रिप्लेस कर दूँगा। तो ये क्या हुआ, मेरी एडिटिंग उसके अंदर हो गई है। अब क्या करूँगा, मैं दोबारा जाऊँगा अपना, पहले मैंने इसमें रन किया था, अब इसमें चला गया, आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। अब मैं वो चीज़ करूँगा जो मैंने की थी, fsm soft, वही फोल्डर का नाम, ठीक है, अपर केस लोअर केस का ख्याल कीजिएगा। अब मैंने एफ में डायरेक्टली सेलेक्ट की थी, मैं एफ में जाऊँगा, उस फोल्डर में जाऊँगा, nsm-asher.asm, ठीक है, -o-asher.com, ठीक है, चला गया यहाँ पर, ठीक है, इसने कोई गलती शुरू नहीं की है। अब क्या करूँगा, मैं afd में जाऊँगा और asher.com। अब देखें आपका ये खुल गया, मैं दोबारा यहाँ पे आऊँ, ठीक है। अब आपके कोड को सामने रखूँ तो देखें अब वो चीज़ कर रहा हूँ। देखें यहाँ पे मैं आऊँ, मैंने एफ टू प्रेस किया, ये मूव किया, वही ए में गया, 0 चेक किया, बी चेक किया, फिर ए की वैल्यू उसने उठाई, फिर बी की वैल्यू उठाई, फिर उसने ए एक्स बी एस को कंपेयर किया। अब देखिए आप यहाँ गया वो जंप पे, जंप पे जाने के बाद वो चेक कर रहा है कि मुझे एडिशन करना है सब्ट्रैक्ट करना है। अब देखें आप उसने वैल्यू चेक कर लिया, वो समझ गया है कि यहाँ एडिशन नहीं हो रहा, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो वो डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट पर जाएगा, जबकि आपके लास्ट केस में आपको दिखाया था वो डायरेक्ट ऐड पर गया था, सब्ट्रैक्ट पर नहीं गया था। तो अब आप देखिए कि इसके नीचे हालांकि ऐड आ रहा है, लेकिन वो जाएगा सब्ट्रैक्ट पे, क्योंकि क्यों, क्योंकि हमारी पहली वैल्यू छोटी है लास्ट वैल्यू से, यही आप वाला। मैं करूँगा एफ टू, डायरेक्ट जाएगा सब्ट्रैक्ट पे, देखें सब्ट्रैक्ट पे चला गया, ऐड पे नहीं गया। अब बी एक्स को देखें आप यहाँ पर आगे, देखें कंडीशन सब्ट्रैक्ट कर दो बी एक्स को ए एक्स, और रिजल्ट कहाँ स्टोर होगा, बी एक्स में। अब आप देखें बी एक्स में वैल्यू चेंज होनी चाहिए, तो उसे सब्ट्रैक्ट किया तो बी एक्स में वैल्यू स्टोर होगी। तो देखें यहाँ पे 0 0 0 6, अगर ये हेक्साडेसिमल 0 0 0 6 है तो हमें करना है हेक्साडेसिमल को डेसिमल में, ठीक है। तो अब हमारे पास वैल्यू क्या थी, 0 0 0 6, देख लेते हैं, मतलब यही थी, बिल्कुल यही थी, ठीक है। तो अब इसका आंसर क्या आना चाहिए, हम देख लेते हैं कैलकुलेटर में। पहला था हमारे पास 13 को माइनस करेंगे 19 से, ठीक है, तो -6 या 6 कह रहे हैं, ठीक है। तो कन्वर्ट करके डेसिमल टू डेसिमल, देखिए आपका आंसर 6 आ रहा है, ठीक है, तो इसको देख लेते चला के। तो देखिए यहाँ पे देखिए आपको 6 दे रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। अगर आप इसको आप डेसिमल वैल्यू को है डेसिमल में चेंज करना चाहें तो देखिए हमारा क्या आंसर आया, यहाँ पे आया -6 या 6 कर ले, तो पहले 6 ला के देख लेते हैं 6। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे आपको क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए यहाँ पर भी। तो देखिए यहाँ पर भी आपको 6 आया, और अगर आप -6 करके देख लें, ठीक है, तो आपको -6 आएगा,
तो इसका हम यहाँ पे को माइनस का कुछ है नहीं देखा, तो इसका वाला आपको प्रोग्राम चाहिए, असाइनमेंट में था रिक्वायर्ड, ठीक है। तो अच्छा, सबसे पहले जब आपने ओपन किया था तो आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना था, ठीक है, वो आपने पेस्ट करना था वर्ड में। तो दूसरा का पहला काम था प्रोग्राम, दूसरा जो है वो आपको जब आपने ही अपना ड्रॉपबॉक्स ओपन किया था उसका जो सबसे पहले इंटरफेस आया था उसका स्क्रीनशॉट, और तीसरा जब आपकी जो है कैलकुलेशन परफॉर्म हुई थी उसका आखिरी जो आपका फाइनल आउटपुट आया था उसका स्क्रीनशॉट। तो आप तीनों स्क्रीनशॉट लेके वर्ड की फॉर्मेट में पेस्ट करने और सबमिट करवा देना है, ठीक है। तो ये था बस आपका असाइनमेंट।